सो गाइस, आपको सिंपली पहले करना क्या है, इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सिंपली डाल के डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, चलता हूँ ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, हमें एक बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। एंड इसको आपको सिंपली पूरा फील करना है आपको, ठीक है, अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस तरीके से पूरा फील कर देना है, ठीक है। एंड इसको मैं कर लेता हूँ पहले गाइस ढंग से, ठीक है, इस तरीके से पहले हम कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस, हमें जाना है ब्लेंडिंग मोड पे। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड इसका इरेजर टूल में जाएंगे, ठीक है। एंड इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसको हम सिंपली से नीचे से थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस, ऊपर से कर लेंगे डन। एंड गाइस, जाएंगे ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, अब हम लेंगे अपने मॉडल को, ठीक है। एंड गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हर डे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो गाइस प्लीज यार, एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, ठीक है। सो मैं गाइस मॉडल को ले आया हूँ, ठीक है। एंड सिंपली आप सभी गाइस, इस तरीके से आपको स्क्रीन पे अपने बैकग्राउंड पे ऐसे फिक्स कर लेना है, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद आपका एक काम रहेगा गाइस, इसको ढंग से मतलब गाइस प्रॉपरली फिट कर लेना गाइस, कहीं मतलब टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए गाइस, बैकग्राउंड को देखना गाइस आपको, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना गाइस, आपको दोबारा से ऐड फोटो में जाना, डन करने के बाद डन कर लेना पहले, फिर जाना ऐड फोटो में, ठीक है। एंड इसके बाद आपको गाइस टेक्स्ट का पीएनजी लेना है, ये गाइस ये वाला टेक्स्ट का जो पीएनजी, इसको लेना है आपको, एंड कर लेना ऐड, ठीक है गाइस। एंड सिंपली इस तरीके से थोड़ी सी साइज को बढ़ाना है, एंड सिंपली आपको इस तरीके से साइड में, एंड गाइस अब कर लेना डन, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को एक काम रहेगा गाइस, दोबारा से जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। एंड ये तिरंगे का पीएनजी लेना आपको, ठीक है, इस तिरंगे के पीएनजी को, एंड गाइस कर लेना ऐड, ठीक है। एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, एंड गाइस इस तरीके से साइज को बढ़ाएंगे, एंड गाइस सिंपली इसको अपने हैंड की तरफ लगाएंगे, ठीक है। सो गाइस, जो जो वे जो जो ज़्यादा इरेज हो गया इसको मैं पूरा फिल कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद तक हमारी फोटो हो चुकी है डन, ठीक है। एंड यहाँ से हम इसके ऊपर सिटी को फुल कर लेंगे, एंड गाइस कर लेंगे फोटो को डन, ठीक है। एंड अब गाइस हमारे इसमें रह गया कलर करेक्शन का, शेडो बनाने का काम, जो कि हम बनाएंगे इसमें ड्रो टूल में। तो चलते हैं हम ड्रो टूल के अंदर, ठीक है। ड्रो टूल में चलने के बाद गाइस आपको लेयर पर जाना है, ठीक है। एंड लेयर तो हमारी एक बनी रहती है गाइस, सो हम ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड स्मूथ वाला ब्रश ले लेते हैं, एंड कर लेते हैं सेट, ठीक है। पहले इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं, एंड ओपेसिटी को कम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड चलते हैं नीचे जूम करते हुए, सो गाइस हमने शेडो को भी क्रिएट कर लिया। एंड गाइस, अब हमारा जो काम रह गया कलर करेक्शन का, जो कि कलर करेक्शन जो हम गाइस हमेशा की तरह लाइट रूम मैप में करते हैं। तो गाइस चलते हैं, फोटो को सेव कर लेते हैं, एंड मिलते हैं आप सभी से लाइट रूम मैप के अंदर। तो गाइस मैं ऐसे कर लेता हूँ, अपने बैक हो जाता हूँ, ठीक है। बैक होने के बाद मैं लाइट रूम मैप को ओपन कर लेता हूँ सिंपली। एंड गाइस मैंने फोटो को ऐड कर लिया है। एंड गाइस उसके बाद हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, कंट्रास्ट को अगर बढ़ाएंगे, एंड गाइस उसके बाद हाई लाइट्स को माइनस करेंगे, एंड गाइस उसका शेडो को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड वाइट को भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद ब्लैक को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद चलते हैं नीचे वाले टूल में कलर्स में, एंड चलते हैं मिक्स में। रेड कलर के ह्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे,
ठीक है। एंड ऑरेंज कलर में चलेंगे सैचुरेशन को माइनस, ल्यूमिनस को प्लस, ठीक है। एंड लेते हैं येलो कलर, ठीक है। सो इसको हम करेंगे ह्यू को -64, ठीक है। एंड ऑरेंज कलर में दोबारा चलते हैं एंड ग्रीन कलर को ले लेते हैं गाइज, ठीक है। एंड इसके ह्यू को हमें प्लस करना है, ठीक है। सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज क्या करना है आप सभी को, यहाँ तक हमारा काम तो हो चुका है, तो गाइज हम डन कर लेते हैं। एंड गाइज के बाद सैचुरेशन में को बढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है। एंड वाइब्रेशन को माइनस एंड टेम्परेचर को प्लस -2, ठीक है। चलते नीचे वाले टूल में, फोटो क्लियरिटी को बढ़ाएंगे गाइज, ठीक है। एंड विगनेट को हम करेंगे माइनस ताकि हमारी फोटो में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ जाए। एंड उसके बाद गाइज हमें इसके फैदर को पूरा प्लस कर देना है एंड राउंडनेस को भी पूरा प्लस कर देना है। एंड चलते गाइज नीचे वाले टूल में, ठीक है। एंड शार्पिंग को बढ़ा लेंगे एंड नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। सो अब इसको हम देखो गाइज हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। आई होप आप सब चीज़ को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना यार, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना यार, प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।